किसान भाइयों, मैं आज आपको एक ऐसे किसान से मिलवाता हूँ जिनके पास दो ट्रैक्टर हैं। अगर हिसाब लगाया जाए तो नए की कीमत से भी कम है, लेकिन एक शान बढ़ा रखी है दोनों ट्रैक्टरों ने। भाइयों, एक तो है फोर्ड 3600 और दूसरा है मैसी फर्गूसन 35, लेकिन कंडीशन दोनों की टॉप है। मशीनरी पुरानी भी बेकार नहीं होती अगर उसका रख रखाव सही रखा जाए, समय पर पैसा लगाया जाए। किसान के दोनों ट्रैक्टर मजबूत हैं, टायर नए हैं, कंडीशन बहुत बढ़िया है। एक ख़ास बात और है, जो ये बेटा है ये इतना शौकीन है, इसने फोर्ड में एक वो सफ़ेद धुआं निकलने वाला जुगाड़ भी कराया था, लेकिन वो फिर पता नहीं क्यों हटा दिया गया। अच्छा नहीं लगा होगा लोगों को, क्योंकि धुआं करता था, वो प्रदूषण फैलाता था। तो भाइयों, आपको मैं आज लेके चलता हूँ रावती गांव में, तो आप देखिए। शौकीन किसान, किसान भाइयों देखिए, फोर्ड मॉडिफाई करा रखा है किसान ने। किसान भाइयों, इन्होंने एक जुगाड़ और करवाया था जिसमें सफ़ेद धुआं निकलता था, साइलेंसर ये लगवाया था। अच्छा, इसमें क्या होता था? डीजल? हाँ जी, ये डीजल, इसमें अंदर डीजल होता था। तो ये इसमें धुआं कैसा बनता था इसका? ये पाइप है, ये इसमें लग जाता था। अच्छा, ये नल की? हाँ जी। तो वो धुएं के साथ ये फुक्का एकदम सफ़ेद बन जाता था। हाँ जी। तो ये क्या, क्यों हटा दिया? जी हटा दिया, नुकसान है इसका। क्या इंजन पे पड़ता है? हाँ जी। क्या बहुत सारे आदमी वैसे ही दबा दें। अच्छा, फिर सारा ट्रैक्टर गंदा हो जाए उससे। तो ये कितना खर्चा आया था इसमें? इसमें आया था जी करीब 2500-3000 रुपये करीब। 2500-3000? चलो बहुत बढ़िया रहा, कई बार शहर में चलान वलान हो जाए, क्या फ़ायदा। हाँ जी। अच्छा, ये छतरी कितने में लगी थी? ये तो जी ऊपर ऊपर की लगी थी, फिर पाइप तो था हमारा। अच्छा, कितना खर्चा आ गया था इसमें? जब तो जी 8-9 हज़ार रुपये के करीब आया था। बहुत सुंदर लग रही है। किसान भाइयों, सबसे सस्ता जुगाड़ है, पुराना ट्रैक्टर लो, मॉडिफाई कराओ। और मेरे ख्याल में ये तो 1.5 लाख में तैयार हो जाएगा। 1.5 लाख में 6 लाख के मालिक, क्या दिक्कत है? पंजाब में क्या करते हैं, नया ट्रैक्टर लेना पसंद नहीं करते, पुराने से पुराने को लेकर मॉडिफाई कराते हैं। लोग नए को देखना भूल जाओ, उसी की तरफ भागते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं वे ट्रैक्टर। हम गलती कर गए, हम बार बार नवा ट्रैक्टर लेते रहे, अब हमें अकल आई है, आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। उधड़ा हुआ ट्रैक्टर लेंगे, बिल्कुल जो कबाड़, उसको फिर वहाँ ले जाएंगे जहाँ मॉडिफाई होता है, और फिर वहाँ से अगर 1.5 लाख भी लग गए तो भी हमें वो ज़्यादातर 2 लाख में पड़ेगा। और जिसे दुनिया देखना आएगी, गाँव वाले तो भीड़ लगाव रखेंगे, मील पर जाएंगे वहाँ भी भीड़ लगेगी। और साहब, 7 लाख का ट्रैक्टर ले लो, उसे कोई दिखण नहीं आता, सच्चाई हो है जी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। हमें स्टार्ट करवाना भूल गया था बेटा, एक बार सेल्फ मारना। ये गिरा तू, क्या शानदार आवाज, अजा बांध दिया भाई। आवाज सुनो, यही इसकी असल पहचान है फोर्ड की। बहुत से लोग पंप चेंज करा दें, वो हंटिंग बंद हो जाए इसकी। फोर्ड जो ट्रैक्टर है ये जस्ता ही हंटिंग से है, और ट्रैक्टर में ये हुर हुर होने लगा, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। पर एक बात और है, सादा मैसी और फोर्ड, इन दो ट्रैक्टर पे पेंट करा लो, सबसे सुंदर लगते हैं। आप किसी और पर पेंट कराओ, जस्ते नहीं बिल्कुल भी, कुदरती बात है भाई। इनके पास ये भी है, मैसी शौकीन है ये, इससे रूटावेटर की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। साफ कंडीशन ट्रैक्टर है, नए टायर हैं, और देखिए बम्पर कितना सुंदर लुक है इसका, बनवा रखा है। और इनके पास में अपने एक कृषि यंत्र है, टीलर है एक, बहुत बढ़िया ट्रॉली है, यहाँ के मवाना मिल में जाते हैं ये लोग। ये इनकी हवेली है, लड़के का नाम पूछता हूँ, बेटे के नाम क्या तुम्हारा? नितिन, नितिन चौधरी। उम्र कितनी होगी तुम्हारी?
शादी करी? तब तो शादी हो जानी चाहिए, ठाड़ा लमड़ा है नहीं? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं जी ट्वेल्थ करी है। ट्वेल्थ जी। जाटों को बालों को की तो इंटर हाई स्कूल में शादी हो। जब मैं दसवीं भी नहीं करी थी, मेरा ब्याह हो गया था। जल्दी होनी चाहिए। आज मेरे पोते भी मेरे बराबर हो रहे, अमालिया सलमान की तरह। मैं 60 साल में सोचूं ब्याह करवाने की, तो इतने में मेरे बालक बालिक नहीं होने के, मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर बच्चे दिक्कत पड़ती है, पड़ोसी भी तंग करें फिर। तो यह है, बड़े बुढ़े के सामने पोतों का ब्याह हो जाए तो मतलब ज़्यादा बढ़िया रहता है भाई। मेरी सोच तो यह है, कोई बुरा मत मानियो। नमस्कार। आ गया एक शेर और। मैसी फर्गुसन 10:35 PI। किसान भाइयों देखिए, शौकीन किसान मरघाड़ देखिए आप। मॉडिफाई कराया इन्होंने ट्रैक्टर, क्या शानदार आवाज़ है भाइयों। सबसे अच्छे तो इसके मरघाड़ हैं। ये मरघाड़ कहाँ बनवाया आपने? है जी दिल्ली, मतलब मॉडिफाई कराए या मतलब बने बनाए मिल गए? मिल जाए। कितने में मिली है भाइयों? कितने सुंदर मरघाड़ लग रहे हैं। किसान भाइयों, आपको ये वीडियो ज़रूर सब अच्छी लगी होगी। और ये जो मैसी 10:35 आया बाद में, ये भी मॉडिफाई कराए हैं इन्होंने इसके मरघाड़। तो इस गांव में काफ़ी शौकीन किसान हैं। शौकीन होना भी चाहिए, शौक रखना भी चाहिए किसान भाइयों। किसान को खेती में ज़्यादा बचत नहीं है, लेकिन ये अपने पशुओं, अपनी मशीनरी, अपने कृषि यंत्रों के साथ ऐसा घुल मिल जाता है, उसी में व्यस्त रहता है और ये दिमागी परेशानी से बचता है। इसलिए किसान डिप्रेशन से दूर रहता है। वे किसान भाई जो मशीनरी नहीं रखते, पैसा जोड़ते हैं और खर्च नहीं करते, वो अक्सर आपको परेशान मिलेंगे, क्योंकि उनका ये ध्यान सिर्फ पैसे पे रहता है। वो इन मशीनियों को बेफजूल की चीज़ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा मानना नहीं है। मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ, लेकिन पहले से ही मशीनरी में रहा हूँ। मुझे शौक़ है, मैंने बुलेट को मॉडिफाई अपने हाथ से किया, ट्रैक्टर के इंजन भी बांधे, मैं खुद मैकेनिक रहा हूँ। हमारे पंजाब में जितने सरदार लोग हैं, ज़्यादातर खुद मैकेनिक मिलेंगे, खुद खोल बांध करते हैं अपनी मशीनरी की। तो इससे क्या होता है, हम व्यस्त रहते हैं। तो आप भी व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मेरा कहना है, सोचना है। नमस्कार।